को कभी भी ये भूला नहीं कि बाबा का ये रथ भगवान का रथ है, मैं निमित्त हूँ। तो इस स्मृति के कारण सदा ही वो वरदानी मुहूर्त रही और सदा ही विशेष और महान रूप से उन्होंने अपना जीवन व्यतीत किया। बाबा ने कहा, पूर्वज आत्माएं भी गुप्त हैं, आप लोगों के साथ ही हैं, सिर्फ उनका गुप्त पार्ट है। उन्होंने अपना पार्ट बजाया, यज्ञ की पालना, यज्ञ की संभाल अब आप शक्ति और पांडव सभी को मिलकर करनी है, क्योंकि यज्ञ की संपन्नता अभी आप सबके ऊपर आधारित है। तो बाबा ने पूछा, दादी गुलजार से आपको कुछ कहना है? तो दादी तो हमेशा कहती है, बाप को फॉलो करो, बाप समान बनो। इन दो शब्द दादी ने कहे। तो मैंने कहा, दादी हम तो मिस करते हैं दादी को। तो बाबा ने कहा, नहीं, सभी साथ हो आप लोग। वो लोग फरिश्ते रूप में हैं और आप लोग वरदानी रूप में, पर याद रखो कि ये जीवन वरदानी जीवन है। तो बाबा का कार्य तो सभी को मिलकर संपन्न करना ही। पूछा कि आपने कैसे ये स्थिति बनाई? कहा, बाबा मेरे को तो हमेशा ये ध्यान रहता है कि आप कभी भी मेरे द्वारा किसी को भी अनुभव करा सकते हैं, तो मुझे अटेंशन रहती है। और बाबा ने ये भी कहा कि मैं हमेशा यही ध्यान रखती हूँ कि जो मेरे से मिलने आता है वो बाबा से ही दृष्टि लेने आता है। तो और बच्चे हैं सभी, तो बाबा ने कहा उनको क्या करना है? तो बाबा ने कहा, आप सबको भी क्या करना है? सदा यही याद रखो कि आपकी दृष्टि से सबको बाबा का स्नेह और बाबा का ही अनुभव हो, ऐसी मूर्ति बनने का सबको ध्यान रखना है। आपको आप बहुत प्यार सभी आपको बहुत प्यार करते हैं। तो दादी बाबा को देख के कहने लगी, बाबा आपके कारण ना? बाबा ने कहा, ठीक है, बाबा के कारण है, लेकिन तुमने भी ये लक्ष्य रखा कि बाबा के गुण जो हैं वो मनसा वाचा कर्मणा में, अपनी व्यवहार में पूरी तरह से रहे, क्योंकि आपके जो गुण, आपने ये एम रख के जो गुण मुहूर्त रहे, तो बाबा आपको निमित्त बना के आपसे ये सेवा कर पाए। परंतु अगर वो गुण नहीं होते तो बाबा तो सेवा आपसे नहीं करा पाता। तो इसलिए आपका अपना पुरुषार्थ भी इसमें बहुत अच्छा रहा, दादी गुलजार का। फिर बाबा ने कहा दादी को, हम सब के प्रति, कि दादी कभी भी व्यर्थ संकल्प नहीं आते थे। तो उससे क्या था कि उनकी साइलेंस शक्ति और उनके और भी जो गुण हैं, शक्ति सदा जमा रहती थी, जमा होती जाती थी, क्योंकि व्यर्थ था नहीं। तो बाबा ने कहा कि आप सभी बच्चे भी निमित्त हो और सभी यही चाहते हैं कि बाबा का एक यही एग्जाम्पल है कि जब से उसको पहचान मिली कि मेरा पार्ट क्या है, मुझे बाबा किस कार्य के निमित्त बनाना चाहता है, तब से लेके उनकी बुद्धि एक बाबा के साथ ही रही, न किसी मनुष्य की तरफ, न किसी प्राकृतिक या किसी भी तरह की वस्तु, कहीं भी नहीं, कभी बुद्धि योग नहीं लगा। तो उन्होंने जो श्रीमद की शुरू से पालना की, इस पालना के कारण उन्हें बाबा का साथ का भी अनुभव होता रहा और बाबा से जो उनको मदद मिलनी चाहिए, शक्ति मिलनी चाहिए, तो बाबा जैसे उनकी हर प्रकार से देखभाल करता रहा। तो आप बच्चों को भी ऐसे ही लक्ष्य रखो, बाबा के साथ का अनुभव करो और बाबा को। लेकिन दादी गुलजार की जो विशेषता है वो समाने की है,
उनको बहुत अच्छा लगता था, प्रेम के सागर, आनंद के सागर, सुख के सागर, उस सागर में मैं समाई रहूं। तो वो जो समाई रहती थी उससे वो समान बनती गई, और जैसे उस समानता में दादी ये देखती थी कि कैसे बाबा कि सर्व के प्रति कल्याण की भावना है और सर्व के प्रति न केवल कल्याण परंतु दातापन था, बाबा जैसे सदा देना ही है बच्चों को। तो दादी गुलजार में भी ये दोनों विशेषताएं आ गई, संघ का रंग लगता है, समानता रही कि वो हरेक के प्रति कल्याण की भावना, ऐसी दृष्टि, और उसके साथ साथ वो हमेशा दाता के रूप में, सहयोग चाहिए कुछ भी चाहिए, दाता के रूप में पाठ बजाती रही। तो समाने से जो समीपता आती है, तो सभी बच्चे भी इसी तरह से सर्व अधिकार भी लो, मास्टर भी बनो, बाप समान भी बनो, और सभी के प्रति कल्याण की भावना रखते हुए। हाँ, ने कहा कि दादी गुलजार की जीवन की सफलता थी स्मृति स्वरूप, उनको हमेशा ये स्मृति रहती थी कि यह मेरा ईश्वरीय अलौकिक जन्म है। तो इस स्मृति के कारण जो उनमें सामर्थ्य थी, उनका जो स्वभाव था वो तो बहुत सरल था, और उनमें सामर्थ्य थी पालना देने की, चाहे वो संपर्क वाली लौकिक आत्माएं थी, चाहे ब्राह्मण परिवार था, उनको उनकी दृष्टि से, उनके शब्दों के द्वारा पालना बहुत अच्छी मिलती थी। तो बाबा ने कहा कि देखो, कभी भी उन्होंने जीवन में सब कुछ उनके लिए सहज था पुरुषार्थ, कभी ऐसा नहीं लगता था कि उनको कभी युद्ध करनी पड़ रही है, नहीं। बाबा ने कहा बहुत ही सरल स्वभाव होने के कारण पुरुषार्थ भी सरल था, तो युद्ध कोई नहीं थी कभी भी, किसी भी प्रकार की न किसी से कभी संघर्ष होता था। तो बाबा ने कहा कि देखो, एक अच्छा सहज राजयोगी जीवन का उदाहरण थी दादी। तो आप सभी भी दादी बुलाए हैं, तो बाबा ने उनको भी पास में बुलाया और भोग स्वीकार कराया। फिर उसके बाद बाबा ने कहा कि दादी में एक विशेषता थी, वो है परिवर्तन करने की। तो परिवर्तन ये नहीं कि उल्टे को सीधा करना, बिगड़े को बनाना, परंतु ये परिवर्तन था कि वो ज्ञान को गुणों में और शक्तियों में बदल देती थी। इस कारण उनके जीवन में जो भी कोई परिस्थिति आई, परीक्षाएं आई, क्योंकि उनके पास हर शक्ति थी, तो उन्होंने हर शक्ति का प्रयोग किया, तो वो हमेशा ही अचल अडोल रही। क्योंकि जब शक्ति है, श्रेष्ठ स्थिति है, तो ऊपर है ना, उपराम है, और ऊपर से कोई भी चीज नीचे देखो तो बड़ी नहीं लगती, हलचल नहीं होती है। तो दादी की ऐसी स्थिति थी कि कभी हलचल नहीं होती थी, क्योंकि उनका निश्चय पूरी पूरा दृढ़ निश्चय था, कभी भी कोई भी बात में उनकी अवस्था।